कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों, एक 8 साल का बच्चा स्कूल से लौटते हुए जमीन पर गिर गया और छटपटाने लगा। उसके दोस्तों को लगा कि उसके अंदर भूत घुस गया है। 25 साल का नौजवान जिसका गुरुकुल में मन नहीं लगा और वह भागकर गंगोत्री के पास चला गया। 10,000 करोड़ की कंपनी का मुखिया जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि सबसे पहले जिसने उन पर भरोसा दिखाया उसने और उसके साथी ने पहला मौका लगते ही उन्हीं लोगों को बाहर कर दिया। और देश के 48वें सबसे अमीर आदमी का दोस्त, बड़ा भाई और गुरु जो इतने बड़े साम्राज्य का संरक्षक होने के बावजूद जमीन पर सोता है। उसके कमरे में कोई एसी नहीं है, गाड़ी के नाम पर स्कॉर्पियो से चलता है, फोन के नाम पर एक छोटा सा फोन इस्तेमाल करता है। दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं हिस्ट्री मिस्ट्री हिंदी फैक्ट्स। आज की कहानी बाबा रामदेव की नहीं बल्कि बाबा रामदेव बनने से पहले के व्यक्ति की है, यानी रामकिशन यादव की कहानी, जिसने कुछ दिन पहले कहा था कि ओबीसी जायभाड़ में मैं तो ब्राह्मण हूँ। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले 28 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के उन सभी विज्ञापनों पर रोक लगा दी है जिनमें औषधि और चमत्कारिक उपचार एक्ट 1954 के तहत आने वाली बीमारियों के इलाज का दावा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 1965 हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ के हजारीबाग सैयद अलीपुर गांव में राम निवास यादव और गुलाबो देवी के घर एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया रामकिशन। रामकिशन 5वीं की पढ़ाई के बाद शहजादपुर के सरकारी स्कूल में चला गया। 7.5 साल का रामकिशन एक रोज स्कूल से लौट रहा था, अचानक वह जमीन पर गिर गया और छटपटाने लगा। दोस्तों को लगा कि इसका शरीर अकड़ क्यों गया है, कहीं इसके ऊपर भूत तो सवार नहीं हो गया। अगले रोज जब परिवार के लोग इस रामकिशन नाम के बच्चे को सरकारी अस्पताल ले गए तो पता चला कि उसे लकवा मार चुका है, उसके शरीर का बायां हिस्सा खराब हो चुका है और वो जीवन भर विकलांग की श्रेणी में गिना जाएगा। मगर रामकिशन ने हार नहीं मानी। खेल का मैदान छूटा तो उसने किताबों को पकड़ लिया। यहीं पर उसके हाथ लगी एक किताब योग के बारे में, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था कि योग करने से तन और मन पर नियंत्रण साधा जा सकता है। रामकिशन लगातार योग करता रहा, लगातार अपनी विकलांगता पर जीत हासिल करता रहा। आज जब आप रामदेव को देखें तो याद करें, कभी इस नौजवान का पूरा बायां हिस्सा खराब करार दिया गया था और आज सिर्फ उसकी बाई आंख में दृष्टि नहीं है, बाकी सब कुछ सामान्य से भी ज्यादा स्वस्थ है, मजबूत है। ये योग का कमाल है और कमाल है रामकिशन नाम के बच्चे की दृढ़ इच्छा शक्ति का। पैरालिसिस के अटैक के बाद रामकिशन का अपने स्कूल में मन नहीं लगता था। पिता को बताए बिना उन्होंने खानपुर के गुरुकुल में दाखिला ले लिया। यहीं पर उनकी मुलाकात बालकिशन से हुई। हरिद्वार के एक आश्रम में एक गार्ड के घर पैदा हुआ बालकिशन 6 भाइयों में बीच का था। बालकिशन जो नेपाल से, जहां उसके पिता हरिद्वार से जाकर सेटल हो गए थे, वह बालकिशन हरियाणा के इस गुरुकुल में संस्कृत का अध्ययन करने आया था। लेकिन रामकिशन के इस नए दोस्त बालकिशन की ज्यादा दिलचस्पी जड़ी बूटियों में थी और रामदेव की दिलचस्पी योग के अलावा अध्यात्म के सवालों में थी। इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में कुछ बरस के बाद वो जींद जिले के कलवा आश्रम में चले गए। कलवा के इसी आश्रम में रामकिशन को अपना नाम मिला। दरअसल उनके दूसरे गुरु आचार्य बलदेव ने कहा, राम और कृष्ण इस देश के दो प्रतीक पुरुष तो हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति और प्रवृत्ति में बहुत फर्क है, तुम्हें एक को चुनना चाहिए। रामकिशन को राम का मर्यादा पुरुषोत्तम वाला रूप ज्यादा भावनापद लगा, इसलिए उन्होंने नाम चुना राम। आचार्य ने इस पर देव जोड़ दिया और इस तरह राम निवास यादव का बेटा रामकिशन बन गया रामदेव। मगर कुछ ही बरसों बाद रामदेव का मन इस गुरुकुल से भी उचट गया और वह हिमालय में गंगोत्री के पास अपने हिस्से का सत्य तलाशने चला गया। 1993 में रामदेव हिमालय से नीचे उतरे और हरिद्वार में टिक गए। यहाँ पर उन्होंने योग सिखाने की शुरुआत की।
पहले दो स्थानीय कारोबारियों को सिखाया। उनके गुजरात के मित्र को इसके बारे में पता चला तो वे रामदेव को गुजरात ले गए। फिर उन पर नजर पड़ी एक बड़े हीरा कारोबारी की और उसने बड़े स्तर पर रामदेव का शिविर आयोजित किया, जिसमें पहली मर्तबा 2000 से ज्यादा लोगों ने रामदेव का कमाल देखा। वह कमाल जिसे आज पूरा देश अनुलोम विलोम और कपालभाति के नाम से जानता है। वह कमाल जिसके दम पर रामदेव एक आज बहुत बड़ा टीवी ब्रांड बन गया और FMCG की एक ऐसी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद खड़ी हो गई जिसने हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और डाबर जैसी स्थापित प्लेयर की पूरी इकोनॉमी को, पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। एक कंपनी जो 10,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर लिए हुए है, एक इकलौती कंपनी जो हर बरस 100% से भी ज्यादा का ग्रोथ रेट हासिल कर रही है। तो रामदेव योग सिखा रहे थे और जड़ी बूटियां बना रहे थे उनके साथ ही बालकिशोर, जिसकी जड़ी बूटी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। लेकिन ये दोनों शौक इतने बड़े यौगिक साम्राज्य में कैसे तब्दील हो गए, इसको लेकर कई कहानियां भी हैं और इल्जाम भी है। चलिए एक एक करके सुनते हैं। रामदेव के योग को बड़ी मदद मिली टीवी से। 1995 से रामदेव कई बड़े शिविर आयोजित करने लगे। धीरे धीरे इन शिविरों में अधिकारी, नेता और मंत्री भी आने लगे। मगर पहला बड़ा कमाल हुआ 2001 में, जब टीवी के विस्तार का एक नया दौर शुरू हुआ। एक तरफ तो सास बहू के सीरियल दिखाए जा रहे थे कौन बनेगा करोड़पति, और दूसरी तरफ मंदिर आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक नए किस्म की आध्यात्मिकता और धार्मिकता का ज्वार उठ रहा था और उसकी पूर्ति के लिए कई नए धार्मिक चैनल खुल रहे थे। ऐसा ही एक धार्मिक चैनल था संस्कार, जिसने सुबह 6:45 पर रामदेव के योगा अभ्यास के 22 मिनट के लिए पूरे देश को दिखाना शुरू कर दिया। एक बरस के अंदर संस्कार से बाबा रामदेव आस्था चैनल पर आ गए, उनका स्लॉट बढ़ गया। 3 बरस के भीतर रामदेव को न सिर्फ धार्मिक चैनल दिखा रहे थे बल्कि न्यूज चैनल भी सुबह सवेरे के स्लॉट में बाबा के अनुलोम विलोम का सीधा प्रसारण कर रहे थे। और आज स्थिति ये है कि बाबा रामदेव औसतन 24 घंटे की टीवी में अलग अलग चैनलों को जोड़ ले तो 18 घंटे से ज्यादा का विज्ञापन करते नजर आते हैं, उनके प्रोडक्ट नजर आते हैं और बाबा रामदेव खुद की एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी उनके बैनर तले चलती है, जिसके 5 चैनल हैं जो लगातार बाबा रामदेव के विचारों का, उनके योग का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। रामदेव देश के बाकी योग ऋषियों के मुकाबले ज्यादा सफल कैसे हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने हास के जरिए, अपने सीधी सरल युक्तियों के जरिए जनता से संवाद कायम किया। उन्होंने घंटों ध्यान लगाने को नहीं कहा, उन्होंने कठिन आसन करने को नहीं कहा, वो सामने बैठते और सांस ऊपर नीचे करते और अपने अनुयायियों से यही करने को कहते। जब लोगों को नतीजे दिखने लगे, उनके ब्लड प्रेशर और शुगर में सुधार होने लगा, तो रामदेव का टंका पूरे देश में बजने लगा और यहीं पर बाबा रामदेव ब्रांड की शुरुआत हो गई। टीवी ने जिसके विस्तार को अपार कर दिया। और अब बात बाबा रामदेव के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की, जिसकी शुरुआत हुई साल 1994 में, जब उन्होंने अपने आचार्य शंकर देव के हरिद्वार स्थित आश्रम में योग साधना शिविर की शुरुआत की। कुछ ही महीनों के भीतर वो इस आश्रम को फार्मेसी में तब्दील करने की सोचने लगे। उन्होंने नई जमीन तलाशी और 4 टीन के शेड वाले कमरों के नीचे अपना दवाई घर और अस्पताल बनाना शुरू कर दिया और इस काम में उसकी मदद की पंडित देवीदत्त और उनके बेटे अखिलेश ने। पंडित देवीदत्त के पिता आयुर्वेद आचार्य थे और उनके पास एक खास किस्म की भस्म थी। रामदेव और बालकृष्ण उस भस्म से दवाइयां बनाने लगे, मगर दवाइयों के निर्माण और वितरण के लिए उनके पास ज्यादा पूंजी नहीं थी। इस मामले में एक और आचार्य ने उनकी मदद की, लेकिन इस कहानी को कुछ लोग दूसरे ढंग से भी बताते हैं। इसके मुताबिक आचार्य करमवीर का नाम ध्यान रखिएगा। आचार्य करमवीर, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, ये तीनों 90 के दशक की शुरुआत में अपने अपने हिस्से की साधना कर हरिद्वार लौटे और वहाँ के त्रिपुर योग आश्रम में काम करने लगे, जड़ी बूटियों के विभाग में। यहीं पर तीनों ने तय किया कि उन्हें जड़ी बूटियों के अपने ज्ञान को नई नई दवाएं और उपचार बनाने में खर्च करना चाहिए। और तब ये तय हुआ कि दिव्य नाम से एक ब्रांड शुरू हो। शुरुआती दौर में एक ट्रस्ट बना जिसका नाम दिव्य योग मंदिर रखा गया। इसमें तीनों के अलावा जो व्यक्ति थे जिन्हें रामदेव अपना तीसरा और आखिरी गुरु बताते हैं, आचार्य शंकर देव, जिनके आश्रम में रहकर रामदेव ने
दिव्य फार्मेसी का काम शुरू किया था। इन चारों लोगों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया जिसमें कुछ और कारोबारी भी थे। ट्रस्ट बनाने के महज 9 महीने के भीतर बालकिशन ने 2 कारोबारियों को गलत इल्जाम लगाकर बाहर कर दिया। अगली बारी साध्वी कमला की थी, उन पर भी ऐसे इल्जाम लगाए और आखिरी में आचार्य करमवीर को भी इस्तीफा देने को कहा गया। अब ट्रस्ट में बचे 3 लोग, बाबा रामदेव, आचार्य बालकिशन और आचार्य शंकरदेव यानी कि रामदेव के गुरु। आचार्य शंकरदेव इस घटना के 12 साल बाद यानी 2007 को रामदेव के आश्रम से सुबह की वॉक के लिए निकले लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। मिसिंग कंप्लेंट हुई, राजनीतिक इल्जाम लगे, सीबीआई की जांच हुई और नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद उसकी भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई यानी कि केस को बंद कर दिया गया। ये रामदेव और बालकिशन की जुगलबंदी की कहानी है, ये योग और आयुर्वेद के साथ की कहानी है, ये भगवा वस्त्रों में लिपटे एक बाबा के टीवी चैनलों का प्रिय हो जाने की कहानी है, ये उस व्यक्ति की कहानी है जो इतने बड़े एम्पायर का संरक्षक होने के बावजूद आज भी अपनी कुटीर में अपने कमरे में बिना एसी वाले कमरे के फर्श पर ही सोता है, स्कॉर्पियो से चलता है क्योंकि स्वदेशी का प्रवर्तक है और फोन के नाम पर एक छोटा सा फोन इस्तेमाल करता है। मगर कहानी का दूसरा पहलू भी है। लैंड रोवर से चलने वाले आचार्य बालकिशन मीडिया से बहुत कम बात करने वाले, आईफोन पर आंकड़ों में खोए रहने वाले, जब इन दोनों लोगों को योग, आयुर्वेद या राजनीति से जुड़ी कोई गहन मंत्रणा करनी होती और अगर आसपास कोई नहीं होता तो ये दोनों आचार्य संस्कृत में बताने लगते हैं और तब कई बार बालकिशन रामदेव को ये कहते भी है कि फिर कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा जिस पर न्यूज चैनल बात का बतंगड़ बनाए। बतंगड़ बनाने की शुरुआत काफी पहले ही हो गई थी जब समलैंगिकता, एड्स और ऐसे कई मुद्दों पर रामदेव ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया। मगर रामदेव के उन बयानों की कहानी फिर कभी आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक सिक्योरिटी गार्ड का बेटा बालकिशन कैसे भारत का 48वां सबसे अमीर आदमी बन गया। आपको ये भी बताएंगे कैसे पेट घुमाने, सांस लेने और छोड़ने की युक्ति इतने बड़े एम्पायर में तब्दील हो गई। आपको बताएंगे कि रामदेव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ, एक नई वीडियो में। अगर आप भी ऐसे किस्से कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।